दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 2 मिनट में हम रिलायंस जियो प्राइम को रिचार्ज करके इसको एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप माई जियो के ऐप को खोल दीजिए, वो अपने आप लॉग इन हो जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी जियो के नंबर को रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिचार्ज अनदर नंबर, यहाँ पर आप कोई भी जियो का नंबर जो आपको रिचार्ज करना है उसको डाल दीजिए, देन सबमिट कीजिए। देन यहाँ पर जियो प्राइम का मेंबरशिप प्लान आ रहा है, उसमें अभी जो 99 वाला रिचार्ज है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेमेंट गेटवे में जाएगा। मैं फिलहाल जियो मनी से कर रहा हूँ, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो मैंने अपने जियो मनी में लॉगिन किया, तो मेरे अभी जियो मनी में 100 रुपीज़ है, तो मैं 99 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहा हूँ। जो मेरा बैलेंस है वो 1 रुपये दिखा रहा है नीचे पे। मैं फिर पे विद जियो मनी कर रहा हूँ। तो ये मेरा रिचार्ज हो गया, ये मुझे मैसेज भी आ गया ऊपर में, और ये मेरे पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुल गया है। तो 2 मिनट में आप रिलायंस जियो प्राइम को रिचार्ज करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। इसका कंफर्मेशन का पेज दिखा रहा है, और आप देखोगे मेरे यहाँ पर मैसेज भी आ गया है, तो वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले तो पहले जाके हम जियो मनी में जाके देखते हैं कि मेरा बैलेंस अब 1 रुपये दिखा रहा है, और जो मैंने पे किया वो मैं हिस्ट्री में जाके देख सकता हूँ। मैंने जो ऑनलाइन पे किया है वो 99 रुपीज़ किया है, और ये मेरा मैसेज जो मुझे जियो की तरफ से आया है सक्सेसफुल, जो मेरे 99 रुपीज़ का। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।